गाजा में इजरायली हमलों को लेकर इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विश्व भर में विरोध प्रदर्शन हुए। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में वहां की संसद की छत पर चढ़कर लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उससे पहले अमेरिका, यमन सहित कई जगहों पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों का इजराइल पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है। इजराइल पर तो दबाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसकी मदद करने वाला अमेरिका भी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। यहाँ तक कि कुछ समय पहले अमेरिका ने इसराइल को गाजा पर हमले रोकने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसराइल ने उल्टा अमेरिका को आंख दिखा दिया। इसके बाद भी अमेरिका ने इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया और अभी भी गाजा में हमले के लिए इसराइल को सैन्य हथियार देता जा रहा है। अमेरिका के इन फैसलों से उन बातों को बल मिलता है जो अमेरिका के बारे में कही जाती है कि ये इसराइल के जरिए चुनावी फायदा उठाने में लगा है। यही बात इसराइल के बारे में भी कही जाती है कि नेतन्याहू अपने राजनीतिक फायदे के लिए युद्ध जारी रखे हुए हैं। अब यमनी नेता सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इसराइल को खुश करने की होड़ में हैं। यमनी नेता ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में इस बात की होड़ मची है कि कौन इसराइली कब्जे का अधिक समर्थन करता है। आपको बता दें कि गाजा में हमास पर किए जा रहे इजरायली हमलों के चलते अमेरिका को भी भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी वो इजरायली हमलों को रोकने के लिए कोई बड़ा प्रयास करता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे ये साबित होता है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति पद के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल से बड़े फायदे की उम्मीद है। इसी वजह से वो लाल सागर से जहाजों का आवागमन बाधित होने के बाद भी युद्ध रोकने के लिए कोई बड़ा प्रयास करता नहीं दिखता। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के समर्थन में हूती लाल सागर से निकलने वाले जहाजों पर हमला कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि हूती जहाजों पर हमला ना करे, लेकिन वो इसराइल को हमास पर हमला करने से नहीं रोक रहा है। इधर हूती का भी कहना है कि जब तक इसराइल गाजा पर हमले बंद नहीं करेगा, तब तक वो भी समुद्री जहाजों को नहीं निकलने देगा। हालांकि अभी अमेरिका में चुनावी दौर चल रहा है, ऐसे में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी इसराइल के खिलाफ बयानबाजी कर अपना राजनीतिक नुकसान नहीं चाहेंगे। अब नवंबर में चुनावी नतीजों के बाद ही इसराइल हमास युद्ध की कोई ठोस दशा और दिशा नजर आएगी।